Thank <laughs> you. गुड मॉर्निंग बच्चों मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मुगली स्टूडियो में प्यारे दोस्तों गुड मॉर्निंग यू ऑल कैसे हो आप सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा लेक्चर शुरू करते हैं दोस्तों विदाउट कोई पूर्व इंफॉर्मेशन के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होने की वजह से दो तीन दिन आपका लेक्चर नहीं हो पाया है लेकिन हम एक तो ऑलरेडी ही इतना काम करके रखते हैं कि अगर कभी इस तरह का अवकाश भी हमें लेना पड़े तो कोई आपत्ति वाली बात ना हो इसलिए हमने प्रीवियसली ही आपकी इतनी क्लासेस ऑलरेडी ले ली थी कि आप उसको दो तीन दिन के गैप में आसानी से अपना जो भी वर्क पेंडिंग था वो आई होप कि आप सब ने कर ही लिया होगा और आज हम बचा खुचा उसको वापस रिग्रेट कर लेंगे यानी आज हम चार लेक्चर लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आज चार लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे और चारों लेक्चर्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपके साथ में शेयर करेंगे विद प्रोसीजर और क्लिनिकल दोस्तों यदि अगर आप अभी तक इन सारी क्लासेस को केवल स्किल टेस्ट समझने की भूल कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा नहीं करें ये केवल स्किल टेस्ट नहीं है ये दिल्ली एम्स की तैयारी है दिल्ली एम्स और बाकी के एम्स में पूछा जाने वाला क्लिनिकल पोर्शन अभी हम तैयार कर रहे हैं पिछली काफी दिनों से स्किल टेस्ट के तो जो सिंपलेस्ट प्रोसीजर होते हैं वो हम काफी पहले पढ़ चुके हैं बट अभी जो पोर्शन हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये सारा एडवांस प्रोसीजर्स हैं और ये एडवांस क्लिनिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो स्किल में नहीं पूछे जाते हैं वो क्लिनिकली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और ज्यादातर क्लिनिकल एग्जाम आपको दिल्ली एम्स के अंदर देखने को मिलता है जब आप पेपर देने जाते हैं तो वो छोटे छोटे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सिंगल लाइनर क्वेश्चन क्लिनिकल क्वेश्चन वो सारे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्त वो यहाँ से बुटअप किए जाते हैं इन प्रोसीजर्स में से पूछे जाते हैं तो आप सबको ये सारे प्रोसीजर इतनी ही डिटेल के अंदर सीखना पड़ेगा तभी जाकर कि हम एग्जाम्स के अंदर कुछ बेहतर कर सकेंगे और साथ के साथ ही अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप ऐप डाउनलोड करिएगा क्योंकि डेली का टेस्ट डेली होता है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो चलिएगा क्लास शुरू करते हैं दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं असिस्टिंग विद द बोन एस्पिरेशन और फिर उसका करेंगे बायोप्सी तो सबसे पहले तो हम बोन एस्पिरेशन करेंगे और फिर उसका बायोप्सी करके देखेंगे क्लियर है दोस्तों तो चलिएगा थैंक यू सो मच गोपाल थैंक यू थैंक यू सो मच ठाकुर सिंह थैंक यू <laughs> ना मैं नहीं आता हूँ पूरा शेड्यूलता हूँ मेरा आदत है और मैं जितना कैपेसिटी होती है उतना वर्क करता हूँ रोज डेली वो भी मेरी आदत है क्योंकि मुझे केवल ऐसे फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती मुझे कोर्स करवाना होता है अभी जो कोर्स अपन कर रहे हैं क्लिनिकल वाला ये कोर्स जब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं सांस नहीं लूंगा यानी कि इस कोर्स को पूरा करवाएंगे आपको पूरा तब जाके ही सांस लेंगे फिर तब जाके नया कुछ प्लान करेंगे राइट जब तक नया कुछ भी प्लान नहीं करेंगे टेस्ट परफॉर्मेंस में जाकर के और आप अपने सॉल्यूशंस देख सकते हो जिसको भी नहीं आता है तो टेस्ट के परफॉर्मेंस में जाया करो वहां आपको सारे सॉल्यूशंस नजर आ जाते हैं राइट और जिस टेस्ट पे वन अटेम्प्ट है वो एक ही बार अटेम्प्ट होगा तो उसको आप अच्छे नेटवर्क में जाके दिया करो राइट right? कुछ टेस्ट होते हैं जिसपे आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिल जाता है कुछ में आपको वन अटेम्प्ट मिलता है तो वो टेस्ट पे निर्भर करता है कि किस तरह का टेस्ट है तो आप सोच समझ के दिया करो ओके okay? <coughs> चलिएगा डेफिनेशन देखते हैं असिस्टिंग एंड ऑप्टेनिंग सैंपल ऑफ द बॉर्न एस्पिरेटेड फ्रॉम दलियम और टीबिया यूजिंग द सेप्टिक टेक्निक दोस्त पहला क्वेश्चन आप याद करिएगा यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बॉर्नमेरो bon से कौन सी साइट से एस्पिरेट किया जाता है तो एस्पिरेशन bon किया जाता है या तो स्टनम से कहा से स्टनम से या फिर एलियम से और या फिर टेबिया से क्लियर है तो बॉर्नमेरोपीरेशन इज मोस्टली डन फ्रॉम दनम एलियम और टीबिया आगे चलते हैं साइट्स ऑफ एस्पिरेशन बॉनमेरोपीरेशन एस्पिरेशन साइट्स क्या क्या हैं कौन कौन सी हैं तो फ्रेंड सबसे पहले जो ये बॉन दिखाई दे रहा है आपको पोस्टीरियर सुपीरियर इलायक स्पाइन तो देखिएगा ये है इलायक बॉन और ये इसका सुपीरियर है और ये इसका इन्फीरियर है इधर एंटीरियर होता है और इसके पीछे पोस्टीरियर होता है क्लियर है तो देखिएगा अब मैं बात कर रहा हूं पोस्टीरियर सुपीरियर इलायक स्पाइन पोस्टीरियर सुपीरियर सुपीरियर दोस्त पोस्टीरियर सुपीरियर एलायक स्पाइन देन स्टर्नम दूसरा साइट होता है स्टर्नम नंबर थर्ड साइट है वर्डिब्रास क्लियर है वर्डिब्रास में से भी बॉनमेरोपीरियट किया जा सकता है ध्यान से समझना पूरे लेक्चर को फिर होता है बच्चों टीबिया अब टीबिया के बारे में स्पेशली आप क्या याद रखेंगे कि टीबिया इज द साइट ऑफ चॉइस साइट ऑफ चॉइस फॉर चाइल्ड चाइल्ड लेस देन टू ईयर अब ये क्वेश्चन आपका स्टार क्वेश्चन है कि यदि दो साल से कम एज के बच्चों में मेरो एस्पिरेशन के लिए साइट ऑफ चॉइस पूछा जाए तो हमें भी आंसर करना है हमेशा अडल्ट के लिए हम डिफरेंट टाइप के आंसर कर सकते हैं लेकिन यदि अगर आपसे कहा जाए कि -मेरो एस्पिरेशन साइट ऑफ चॉइस फॉर एस्पिरेशन इन चिल्ड्रंस और एज भी आप याद रखें चिल्ड्रंस कहें और एज भी याद रखिएगा कि कितनी एज से कम दो साल से कम तो लेस देन टू ईयर So okay? बॉनमेरोपिरेशन तो क्यूं करना होगा क्या आवश्यकता होती है तो पहला होता है हिमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए बॉनमेरोपिरेशन किया जाता है अंडरस्टैंड क्योंकि हम जानते हैं दोस्त ये होती है एक जैसे कि मैं बताता हूं आपको तो ये एक लॉन्ग बोन है देखिएगा ये एक लॉन्ग बोन है और लॉन्ग बोन के अंदर हम जब देखते हैं तो ये मिडिल जो शाफ्ट वाला पार्ट है इसको कहते हैं डायाफाइसिस क्या कहा जाता है डायाफाइसिस मिडिल शाफ्ट लाइक पार्ट और जो टर्मिनल uh, पार्ट्स होते हैं स्पंजी पार्ट्स ये स्पंजी बोन है स्पंजी और बोन के इन स्पंजी पार्ट्स को क्या कहा जाता है दोस्त एपिफाइसिस क्या कहते हैं एपिफाइसिस तो बोन का लॉन्ग बोन का जो मिडिल शाफ्ट लाइक पार्ट होता है वो हार्ड होता है और इसलिए बोन के मिडिल एरिया को कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन और टर्मिनल एरियाज को कहते हैं एपिफाइसिस या फिर स्पंजी बोन तो ये जो डायाफाइसिस है ये कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है दोस्त डायाफाइसिस और इपिफाइसिस के बिटवीन एक पार्ट होता है दोनों तरफ ही जिसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस क्या कहते हैं मेटाफाइसिस अब मैं क्या बताना चाहता हूं सबसे खास बात ये दोनों ही बो, आ, बोन के पार्ट है डायाफाइसिस एपेफाइसिस तो डायाफाइसिस में भी बोन मैरो कैविटी होती है और इसके अंदर फिल होता है येलो बोन मैरो जबकि जो एफेफाइसिस वाला पार्ट है या स्पंजी पार्ट है बोन का उसके अंदर भी एक मैरो फिल होता है और वो मैरो होता है रेड बोनमेरो। रेड बोनमेरो की खास बात होती है कि यह क्या करता है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है रेड यानी कि हिमैटोलॉजिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोनमेरो हिमैटोप अकर्स वेयर इन द बोन तो हिमैटोपोसिस अकर्स इन द रेड बोनमेरो पहला आंसर डीप जाते हो और तो अकर्स स्पंजी बोन या एपिफाइसिस टर्मिनल पार्ट ऑफ बोन ये सब जवाब हो सकते हैं ओके तो इन द रेड बोन मेरो अब हम कह रहे हैं दोस्त कि जब कभी भी हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे तो उनका जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कोई ना कोई बोनमेरो के अंदर डिफेक्ट होना तो हिमैटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के पर्पज से भी बॉनमेरो bon का एस्पिरीशन करके और बायोप्सी के द्वारा स्टडी किया जाता है टू फैसिलिट द कोर्स ऑफ द डिजीज एंड पेट रेस्पॉन्स टू दीटमेंट दूसरा हमारा होता है जब हम इन डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो पैसेंट रिस्पॉन्स जानना टू डायग्नोस्ट डिजीज सच एज द प्राइमरी मेटास्टेटिक ट्यूमर्स देन इंफेक्शन इनफेसियस डिजीज और ग्रेन्यूल ये कुछ ऐसे ऑंकोलॉजिकल कंडीशन हैं जिनको भी एस्पिरेशन के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है गुड मॉर्निंग यू ऑल लेक्चर को प्लीज लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है टू आइसोलेट द बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजें बाय कल्चर दोस्तों कल्चर के द्वारा यानी कि बॉनमेरो का कल्चर करके और हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है कौन से पैथोजेंस का इन्फेक्शन है दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर बोर्न मेरोड इफ यू आर गोइंग टू डू देशन तो सबसे पहले हमें ट्रॉलीपेर करना है ट्रॉली में हम क्या क्या रखेंगे फाइव सी सी सीरेंज हो स्टेराइल ग्लाव्स हो वही जनरल आर्टिकल्स जो हम यूजली किसी प्रोसीजर के लिए रखते हैं तो वो सारे आर्टिकल्स में एक बार आपको रिव्यू करवा देता हूँ पढ़ के सुना देता हूँ

चाहिए हमें बाईस गॉस और बीस गॉस लिग्नोकेन 2 टू परसेंट स्लाइड्स रेजर टिंचर सॉल्यूशन सेकंड ट्रिप ट्रिपेर करना है स्टेराइल पैक जिसे कि हम एस्पिरेशन bon किट भी कह सकते हैं अंडरस्टेंड ये सब ऑलरेडी पैक्ड होगा तो देखिए स्टेराइल पैक में क्या क्या होगा टॉवेल्स डिसक्टिंग फोर सेप कप्स कॉटन बॉल और गॉज पीस स्कैल्पल ब्लेड सेप, 20 cc, आ, ग्लास निडल और स्टेराइल आइए जानते हैं प्रोसीजर कैसे करना है यानी का वे में क्या स्टेप्स होती हैं वो अब जानते हैं सबसे पहले हमेशा की तरह ही आपको फिजिशियन ऑर्डर चेक करना है देन उसके बाद नर्सिंग केयर प्लान चेक करना है इन्वेस्टिगेश रिपोर्ट चेक करनी है जैसे कोगुलेशन स्टडी तो फ्रेंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब हम एस्पिरेशन bon किसी पेशेंट का करेंगे तो मैटर करेगा उस क्लाइंट का कोगुलेशन कोगुलेशन प्रोफाइल राइट तो डिसऑर्डर होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है एस्पिरेशन bon वाले पेशेंट्स के अंदर इसलिए बॉनमेरो bon जो नेडिल साइज आप मैं यहाँ बता रहा हूँ आर्टिकल्स के अंदर वो वो निडिल नहीं बता रहा हूँ कि एस्पिरेशन bon के लिए कौन सा नेडिल यूज करते हैं वो नहीं बता रहा हूँ वो जनरल सिरिंज में बता रहा हूं आपको जो आप सैम्पलिंग uh, वगैरह के लिए लेते हो कुछ और अदर से लेते हो डिस्टिल वाटर के लिए वो वो निडिल्स बताया अभी बॉनवे नहीं बताया मैंने आपको याद रखा करो कंफ्यूज मत हुआ करो ठीक है <laughs> <coughs> तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहां याद रखिएगा तो आप क्या चेक करें रिपोर्ट चेक करें करेंट में स्पेशली कोगुलेशन प्रोफाइल ऑप्टेन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन एसेडेन हैज बीन ड्यूली साइंड एंड फुली अंडरस्टूड बाय द पेसेंट कंफर्म कर लीजिएगा कि जो कंसेंट है वो आपने ले लिया है रिटर्न कंसेंट ड्यूली साइंड होना चाहिए एनी पेशेंट की तरफ से आपकी तरफ से और फैमिली मेंबर्स की तरफ से फुलफिल लीगल रिक्वा रिक्वायरमेंट एंड द हॉस्पिटल पॉलिसीज आइडेंटिफाई द पेशेंट हमेशा की तरह पेशेंट आइडेंटिफाई करें एंड श्योर द परफॉर्मेंस ऑफ राइट प्रोसीजर ऑन द राइट पेशेंट देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट और एंश्योर दैट पेन मेडिकेशन इज अब आगे बढ़ते हैं कि डिफरेंट क्या होगा कलेक्ट एंडमेंट जैसा कि हमेशा ही किया जाता है इंश्योर प्राइवेसी शेव द साइट इफ नेसेसरी यहां तक सब कुछ नॉर्मल है पैसेंट देखिएगा दोस्त हेल्प दिन टू द करेक्ट पोजिशन अब काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपका आ जाता है कि एस्पिरेशन के लिए व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन तो पहला क्वेश्चन यहां से पुट अप होगा सुपाइन यदि अगर हम एक्स्टर्नल पंचर कर रहे हैं एस्पिरेशन के लिए तो पोजीशन होता है सुपाइन एक्स्टर्नल पंचर जब हम एस्पिरेशन के लिए एक्टर्नम एरिया से, में से एस्पिरेट करेंगे एक्सटर्नल साइट uh, को चूज करेंगे तो फिर uh, जो पोजीशन होगा का वो होगा सुपाइन और याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए ओके okay, दोस्त दूसरा है लेटरल लेटरल पोजीशन तो याद रखिएगा सेकंड चॉइस आंसर आपका कब आएगा लेटरल चॉइस अपर नी फ्लैक्स फॉर द इलाय क्रेस्ट पंचर यदि अगर हम क्रेस्ट से मेरो एस्पिरेशन करना चाहते हैं तो पोजीशन किस तरह का होगा तो फिर पोजीशन होगा लेटरल लेटरल पोजीशन विद अपर नी विद अपर नी फ्लेक्स्ड। नी जो होते हैं नी जो होंगे वो बिल्कुल फ्लेक्स्ड होने चाहिए मुड़े हुए होने चाहिए फॉर द इलायक क्रेस्ट पंचर। तो सेकंड आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर का याद रखना दोस्तों लेटरल पोजीशन और स्टर्नल पंचर पेशेंट को पोजीशन देने के बाद ओपन द स्मॉल ड्रेसिंग पैक और पुट द स्टेराइल स्लाइड सिरिंज निडिल एंड स्कैल्पल ब्लेड इनटू द पैक ये सब निकाल लीजिएगा असिस्ट द फिजिशियन टू क्लीन द साइट विद द सोल्यूशन और ड्रैप विद द स्टेराइड टावेल Then inform the patient that anesthetic आप एनेटिक इंजेक्ट करेंगे और साइट इनफिल्टरेपेयर दर्सन टू एंटीसिपेट वॉट विल बी एक्सपीरियंग कंटिन्यू टू ऑब्सर्व एंड रीअ्योर द्लाइंट एज द फिजिशियन पंचोर एंड एसपीट एंड बोनमेरोन किया जा रहा है तो ये आप एक इमेज बेस्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आपसे कहा जाएगा इन द गिवन फॉलोइंग इमेज विच ऑफ द क्लिनिकल प्रोसीजर इज जस्ट कंडक्टिंग तो आप कहेंगे कि इसमें एस्पिरेशन किया जा रहा है फ्रॉम पोस्टीरियर रिलैक्स क्रैस्ट तो दूसरा क्वेश्चन कहा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द साइट फॉर एस्पिरेशन इन द गिवन इमेज इस इमेज में शो किया गया साइट uh, का नाम बताइएगा एस्पिरेशन के लिए कौन सा साइट यूज किया जा रहा है उसका नाम बताइएगा तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है तो याद रखना इस मैच को देखकर पहला क्वेश्चन ये वाला बनेगा और दूसरा क्वेश्चन है इस मैच को आइडेंटिफाई करना दोनों बातें क्लियर है इसको ध्यान से देख लो दोस्तों अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शहरों शहरियों शेर बात समझ में आ गई ना यू आर सुपर बुगली हर हर बुगली घर घर बुगली आर यू अंडरस्टैंड क्लियर है बात रिसीव द द सिरिंज विद एंड कलेक्ट स्पेसिमेन इन द वेरियस कंटेनर एज इंडिकेटेड टिश्यू इज कलेक्टेड इन द कंटेनर विद द एफ ए बॉनमेरो जो टिश्यू सैंपल है वो किस में कलेक्ट किया जाता है आपका अगला प्रश्न यही होगा ओके बॉनमेरो कौन से सॉल्यूशन में कलेक्ट करते हैं तो एफ ए सोल्यूशन याद रखना कौन सा सॉल्यूशन दोस्त एफ ए जैसे आपने पहले बायोप्सी को कलेक्ट किया था 10% परसेंट फॉर्मेलिटी के अंदर कहां पर 10% परसेंट फॉर्मेलिटी अब आपसे कहा जा रहा है बॉनमेरो टिश्यू को कौन से सोल्यूशन में कलेक्ट करते हैं तो बॉनमेरो सोल्यूशन को कलेक्ट करना है आपको एफ जिसमें फॉर्मेलिन होगा एसिटिक एसिड होगा और एल्कोहल होगा तो आपका अगला प्रश्न होगा इसमें से कि एस्पिरेशन के बाद निडिल रिमूव करते ही आपको पंचर <clears> साइट <throat> पर कितने समय तक प्रेशर अप्लाई करना होता है तो so टाइमिंग याद रखना पांच से दस मिनट आपको उस पर प्रेशर लगाना है ओके okay?

When the bleeding stops, seal the puncture site with the tincture बेनजन or apply small firm dressing. जैसे ही ब्लड uh, रुक जाता है पंचर साइट से उसके बाद हमें कौन सी ड्रेसिंग करनी होती है तो टिंचर बेंजोइन ड्रेसिंग एस्पिरेशन साइट पर किया जाता है ओके दोस्त तो टिंचर बेंजोइन ड्रेसिंग यू ऑल्सो नीड टू लर्न आपको लर्न करना है कि विच ड्रेसिंग इज यूज आफ्टर द रिमूवल ऑफ रिमूवल के बाद और वेट द एरिया 24 ट्वेंटी फोर हावर बॉनमेरोपीरेशन वाला जो एरिया है साइट है वो कम से कम 24 फोर तक ना तो वॉश करना है और ना ही से वेट करना है provides an air tight seal air tight seal over the puncture site and prevents the entry of the bacteria make the patient comfortable instruct the patient that he or she may be mobile after 4 to 6 hours ek bone marrow aspiration jis client ko kiya gaya hai use मोबिलाइजेशन की परमिशन कितने समय बाद में दी जा सकती है तो मोबिलाइजेशन का परमिशन उसको चार से छह घंटे के बाद दिया जा सकता है यही वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो मैं आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूं याद रखना आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर गुड मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे रिमूव अ डिस्पोज ऑफ द वेस्ट वॉश एंड रिसेप्टिकल्स यूज रीयूजेंट टू लेबोरेटरी विद द नेसेसरी डाटा

प्रेफर्ड फॉर बोन आफ्टर बोन मेरो एस्पिरेशन क्लियर है तो याद रखना दोस्त बोन मेरो एस्पिरेशन के बाद पैसेंट को उसी पोजिशन में रखा जाएगा जिस पोजिशन में बोन मेरो एस्पिरेशन किया गया था या तो सुपाइन या फिर लेटरल Understand? हमने कहा था कि स्टर्नल अगर आपको बॉनमेरो एस्पिरेट करना है तो सुपाइन पोजीशन होता है और दूसरा इलाइक क्रैश से बॉनमेरो एस्पिरेशन करना है तो लैटरल होता है जरूरत पड़ने पर एनालजेसिक आप दे सकते हो मॉनिटर पल्स रेस्पिरेशन एवरी थर्टी मिनट हर तीस मिनट में इसके वाइटल असेस करना है कम से कम चार से छह घंटे तक अंडस्टेन अब आती है बात की कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं बॉनमेर एस्पिरेशन के तो पहला ब्लीडिंग होता है दूसरा इंफेक्शन होता है व्हाट कॉम्प्लिकेशंस में अकर्स ड्यू टू द बॉनमेर एस्पिरेशन दोस क्या क्या हो सकता है तो ब्लीडिंग हो सकती है और दूसरा हो सकता है इंफेक्शन क्योंकि बॉनमेरो एस्पिरेशन करते ही एकदम बॉनमेरो की कमी होती है और बॉनमेरो की कमी होते ही क्या होगा ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन घटेगा और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन घटेगा या फिर नंबर ऑफ आरबीसी या प्लेटलेट काउंट यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा और जैसे ही ऐसा होगा तो पेशेंट इज ससेप्टेबल फॉर द ब्लीडिंग ही रीजन से होती है दोस्त या तो होती है प्लेटलेट की कमी से और या फिर होती है क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी से तो ब्लीडिंग दो प्रकार के होते हैं और दूसरे बॉनमेरो की कमी से होने वाले तो बॉनमेरोप्रेशन bon <coughs> <son adoption> so, bon या फिर ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर तो क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो क्लोटिंग फैक्टर्स की कमी से होते हैं तो वो कब होंगे तो जब जब कभी भी अगर लीवर के साथ आपने छेड़छाड़ किया तो फिर कौन से ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं इसलिए वहां भी कोगुलेशन प्रोफाइल तो याद रखना किसी भी एग्जाम में दो ऑर्गन्स याद रखना एक लीवर और एक बोन लीवर और बोन से कभी भी आपने छेड़छाड़ करी तो कोगुलेशन प्रोफाइल आपको सबसे पहले करना है क्योंकि लीवर क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है और लीवर डिसऑर्डर अगर कुछ भी हुआ या लीवर का कोई प्रोसीजर हुआ जैसे लीवर बायोप्सी अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था तो वो बायोप्सी भी आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो आपने तो उस कैस में भी हमें कोगुलेशन प्रोफाइल करना था और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं यहां भी आप याद रखेंगे क्योंकि हम प्रोसीजर कर रहे हैं बोन में से होकर के और इसलिए ब्लीडिंग की संभावना और इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है आई होप यू अंडरस्टैंड आइए जानते हैं स्पेशल कंसीडरेशन एस्प्रीन कंटेनिंग एनाल्जेसिक शुड बी अवॉइडेड एज मे कॉज इज ब्लीडिंग बोन मेरो एस्पिरेशन के बाद में कौन सी एनालिक्स नहीं दिया जाना चाहिए तो याद रखना दोस्त एस्प्रीन कंटेनिंग एनालिक्स शुड बी अवॉइडेड फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है आपसे यहां से और काफी अच्छा प्रश्न है जो पूछा जा सकता है ओके Aspiration, to -containing कभी भी किसी भी डिजीज के अंदर ब्लीडिंग की संभावना या किसी भी प्रोसीजर में ब्लीडिंग के चांसेस हो तो वहां पर हमें कौन सी मेडिसिन अवॉइड करना होगा एस्प्रीन कंटेनिंग ड्रग्स को अवॉइड किया जाना चाहिए

हमेशा को करना होगा एस्पिरेशन वरना वो कॉपरेट नहीं करेंगे क्लियर है अब जानते हैं कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में ये स्टाइलस है बॉर्नमेरो निडल का और ये है बॉर्नमेरो निडल क्लियर है दोस्त ये इसके अंदर यहां पर होल होते हैं जिनमें से होकर के बॉर्नमेरो एस्पायरेट होता है तो बॉनमेरो निडेल आप देख रहे हैं बॉनमेरो निडेल के अंदर यहाँ पर टर्मिनल पार्ट पे कुछ होल होते हैं जिनमें से होकर बॉनमेरो सेंटीमीटर मार्क्स होते हैं इसके ऊपर क्या होते हैं सेंटीमीटर मार्क्स इससे पता रहता है कि कितना इंसर्ट करना है क्योंकि जितना इंसर्ट करना है उतना ही इंसर्ट करोगे तभी जा करके और सही पोजीशन सही लोकेशन पे जा करके आप एस्पिरेट कर पाओगे निडेल और स्टाइलस ये इसका ध्यान निडिल आप इसे देख लेना इस तरह की फोटो हो या इस तरह की फोटो हो आने वाले एग्जाम्स के अंदर ये है मैरो एस्पिरेशन नि दूसरा फाइव सीसी का सिरिंज है ये ट्वेंटी सीसी वाला सिरिंज है बार बार बताता आ रहा हूं ये तो अब आपको रटा गए होंगे सारी चीजें अच्छे से याद हो गई होगी इसको डिसेक्टिंग फोरसेप कहते हैं हर प्रोसीजर में काम आती है बार बार बता रहा हूं understand? ये भी आपको काफी अच्छे से याद हो गया होगा एक काफी ज्यादा याद हो गया होगा आपको अच्छे से आर्टरी फोरसेप क्योंकि हर क्लास के अंदर आर्टरी फोरसेप और स्पंज होल्डिंग फोरसेप तो मैं आपको बता ही रहा हूं ये है लेग्नोकेन कैन टू परसेंट ओके और ये है, uh, Gel है ये सूशन है ओके okay? ये आप देख रहे हैं बेंजोइन बेंजोइन टेंचर जो आ, आप ड्रेसिंग के लिए यूज करोगे ये बेंजोइन टेंचर की बॉटल है ओके okay? अब आपसे इमेज ये वाला इमेज देख करके आपसे ये कहा जा सकता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन तो आप कह सकते हैं कि दिस इज यूज टू डू द ड्रेसिंग एट द पंचर साइट आफ्टर द नेडिल रिमूवल ऑफ द नेडिल फॉर द एस्पिरेशन उसके लिए हम तीन बेंजोइन ड्रेसिंग यूज करते हैं क्लियर है ये क्वालिटेक एफ ए सोल्यूशन एफ ए सोल्यूशन का यूज बताओ ये मैच बेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि दिए गए मैच में जो बॉटल आपको शो की जा रही है इनके क्वेश्चन देखना बड़े अच्छे तरीके से मैं लैंग्वेज सेट करूंगा और फिर आपसे टेस्ट में पूछूंगा राइट अभी आज जो टेस्ट होगा वो कंबाइंड होगा चारों क्लासेस का क्योंकि कम ही क्वेश्चन बनेंगे तो एक ही टेस्ट में पूरे चारों लेक्चर करवाएंगे तो याद रखना कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि एक लेक्चर देखते हैं दूसरा नहीं देखते हैं और टेस्ट देने चले जाते हैं तो टेस्ट तभी जाके बेटर कर पाओगे जब चारों लेक्चर आप कंप्लीट करोगे ठीक है तो इस सॉल्यूशन का यूज आपसे पूछा जाएगा तो इस सॉल्यूशन का यूज क्या है इस सॉल्यूशन का यूज है दोस्तों बॉर्न एस्पिरेटेड सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए रखने के लिए ये एस्पिरेशन बॉर्नमेरोक्सपीरेशन ने ये नेडेल्स आप देख लेना ये स्टैंडर्ड हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईवी क्यू है एस्पिरेशन निडल वाला इसमें ये ट्वेल्व गोज वाला है बारह गोज का ये फोर्टीन गोज वाला है ये सिक्सटीन गोज है ये एटीन गोज है और ये ट्वेंटी गोज है ठीक है इस तरह से पांच साइज की निडल मैंने आपको दिखा रखी है यहाँ पे मिनिमम ट्वेल्व गोज और मैक्सिमम ट्वेंटी गोज ओके गईस ये सबसे लार्ज uh, बोर वाला नेडल है ट्वेल्व नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट बोर वाला नेडल है ट्वेंटी गॉस डिपेंड करता है देखो इसकी uh, ऐसा uh, जो होता है यूजुअली अडल्ट के लिए तो यूजुअली हम नेडल यूज करेंगे तो फोर्टीन या सिक्सटीन गॉस यूज करते हैं और बाकी का फिर डिसाइड होता है डिपेंड करता है फिजिशियन के ऊपर कि वो किस तरह का नेडिल यूज करना चाहते हैं कितने गॉस का नेडल यूज करना चाहते हैं ओके okay, दोस्तों क्लियर है तो थैंक यू सो मच गाइस प्लीज लाइक वीडियो शेयर यूट्यूब क्लासेस एंड शेयर योर चैनल जिसने भी अभी तक वुगली ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो प्लीज वुगली ऐप डाउनलोड करें और खास बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि अगर आपने गूगल प्ले स्टोर पे आपके अपने वुगली ऐप को अगर अभी तक रेटिंग नहीं किया है तो प्लीज गो देर एंड फर्स्ट रेट योअर बुगली ऐप देन कम हियर अगेन फिर से यहाँ आइए रेट करिए और रेटिंग करिए और अच्छा सा रिव्यू करिएगा अब हम विदिन फाइव मिनट के अंदर पांच मिनट के ब्रेक के बाद ही वापस से सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज कहीं जाइए नहीं थैंक यू सो मच